अब कुछ इस तरह से कंपोजिट स्लैब गिवन है अपने को दोनों की थर्मल कंडक्टिविटीज पता है दोनों की लेंथ पता है एरिया समझ जाते हैं अपन की सेम ही होगा राइट तो द टेम्परेचर ऑफ द टू आउटर सरफेसेस ऑफ द अपोजिट मटेरियल्स हैविंग ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के एंड टू के एक्स एंड फोर एक्स रेस्पेक्टिवली आर टी टू एंड टी वन द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू द हीट तो अब इस स्लैब से जाने वाली जो भी हीट ट्रांसफर है उसकी बात करनी है तो मैं इसको ऐसे देख लूँ कि भाई देखो मेरे पास ना दो रजिस्टेंस है इस तरफ का टेम्परेचर है T1 इस तरफ का टेम्परेचर है T2 ये रेजिस्टेंस हो गया R1 ये रेजिस्टेंस हो गया R2 रेट ऑफ हीट ट्रांसफर चाहिए मतलब करंट ही चाहिए हीट करंट ही चाहिए रेट ऑफ हीट ट्रांसफर dQ क्यू बाई डी बोल दो उसको या हीट करंट बोल दो एक ही तो बात है और हीट करंट निकाली कैसे जा सकती है भाई डेल्टा टी अपॉन अब क्योंकि दो दो रजिस्टेंसेज है तो उनका इक्वेलेंट निकालना पड़ेगा डेल्टा टी अपॉन आर इक्वेलेंट चलिए आर इक्वेलेंट निकाल दें आर इक्वेलेंट कितना होगा सीरीज में लगे हुए तो आर वन प्लस आर टू एल अपॉन के ए होता है फॉर्मूला तो एल की जगह आ गया एक्स अपॉन के ए इसके लिए आ गया फोर एक्स अपॉन के ए कितना आ गया तो इसका जो के है इट इज टू तो ये हो गया अपने पास ओवरऑल थ्री एक्स अपॉन के ए बात हो गई अब बस इस इक्वेशन में वैल्यू रख देनी है अपने को तो यहाँ कि जो भी हीट करंट आ रही है डेल्टा टी मतलब टी टू माइनस टी वन अभी मान के चल रहे अपन की टी टू बढ़ा है अच्छा दे भी दिया आर इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट है मेरे पास थ्री एक्स अपॉन के ए टी टू माइनस टी वन के ए और ये कितना आना चाहिए थ्री एक्स आना चाहिए अब वो एफ की वैल्यू क्या होनी चाहिए वन बाई थ्री होनी चाहिए है ना तो ऐसी कोई बात है तो ये भी डन हो जाता है अपना इसी तरीके से